लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। खारघर का यही वो इंपीरियन स्कूल है जिसकी मनमानी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। लॉकडाउन में फीस बढ़ाने, जबरन फीस वसूली और फीस नहीं भरने पर छात्रों को ऑनलाइन क्लास से वंचित रखने के खिलाफ पेरेंट्स जस्टिस कमेटी के अध्यक्ष मुनाफ पटेल ने इस स्कूल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 7 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए छात्रों को बिना फीस भरे ऑनलाइन शिक्षा देने का अंतरिम आदेश दिया है। जाहिर है यह फैसला दूसरे स्कूलों के लिए भी बड़ा सबक है जो अभी भी छात्रों के साथ मनमानी करने में जुटे हैं। आइए दिखाते हैं क्या था पूरा मामला और न्याय कैसे। क्लियर कट फी रेगुलेशन एक्ट में लिखा है कि आप एक महीने का ट्यूशन फीस से ऊपर आप फीस नहीं ले सकते एडमिशन फीस, लेकिन एक स्कूल आज मुझे बता दीजिए कि आपका वो रूल्स फॉलो करता हो। कोरोना और लॉकडाउन की आर्थिक तंगी में तमाम स्कूल जो संचालक हैं वो बच्चों से जबरन फीस वसूली कर रहे हैं। तमाम डिमांड हो रही है, शिकायत हो रही है, लेकिन ना तो प्रशासन सुन रहा है ना सरकार इस पर सुनने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में खारघर के इंपीरियन स्कूल के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उसके बाद जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा उसके बाद ये फैसला आया है और अब बच्चों का ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया और उनको न्याय मिला है। इस वक्त हमारे साथ मुनाफ पटेल जी हैं जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर इंपीरियन स्कूल की मनमानी के खिलाफ हाईकोर्ट तक इन्होंने दस्तक दी थी। दरअसल मामला क्या था मुनाफ जी, आप बताइए और किस तरह से आपको ये सफलता मिली है। ये मामला शुरू हुआ है हमारे ये शुरू हुआ है ये मार्च में 2020 में, और हमारी मांग सिर्फ यही थी कि हम ये चाहते थे कि जो एनुअल मिसलेनियस चार्जेस जो स्कूल एक्स्ट्रा अपार्ट देन दी ट्यूशन फी जो चार्ज करती है उसको हटाया जाए, क्योंकि एनुअल मिसलेनियस चार्जेस में जो चार्जेस हैं वो है तुम्हारे टर्म फी है, लेबोरेटरी फीस है, तुम्हारी लैब फीस है, और हम चाहते थे कि जो हमारे बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे वो नहीं ली जाए। बट स्कूल ने वो हमारी बात मानी नहीं और हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने हमारे बच्चों की क्लासेस बंद की, फिर हमको उसके लिए एजिटेशन करना पड़ा। एजिटेशन करने के बाद में फिर हमारे स्कूल के साथ में एक मीटिंग हुई जिसके अंदर प्रिंसिपल ने अटेंड किया, उसके साथ में वहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर भी थी उसने भी अटेंड किया, पर उसमें भी हमारे साथ में मैनेजमेंट से कोई नहीं आया बात करने। जब वो मीटिंग हुई उसके बाद में इमीडिएटली बच्चों की क्लासेस शुरू हुई, वो शुरू होने के बाद में वो लगातार पूरे साल चलती रही। बट अनफॉर्चुनेटली फिर वो मार्च में उन्होंने जब नया साल शुरू हुआ उसको बंद कर दिया। फिर हमने ये तय किया कि अब ना एजिटेशन से इन लोग सुन रहे ना कि, फिर हम लीगली गए। फिर हम लीगली जब गए तो हाईकोर्ट ने हमारे, हम जून में जब उसको लीगली गए तो जुलाई में फर्स्ट इंटरिम हियरिंग में हमको ये ऑर्डर पास किया गया, इंटरिम ऑर्डर पास किया गया कि भाई बच्चों की क्लासेस इमीडिएट तौर पर शुरू की गई है, पैसे की हम लोग जो ट्यूशन फी की बात है हम लोग आगे चल के कर लेंगे। जैसा कि आपने सुना कि कोर्ट ने ये जब दखल दी तब जाकर आज अभी हफ्ते भर पहले 7 जुलाई को ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया है। क्लासेस के पहले किसी अधिकारी की बात नहीं सुनी, पेरेंट्स की तकलीफ सुनने की कोशिश नहीं की गई और ना तो उन्हें न्याय देने की कोशिश की गई। हमारे साथ पेरेंट्स हैं, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे दरअसल किस तरह की तकलीफ हुई थी उस वक्त जब ये मामला पूरा उठा था। एक छोटा सा यही चीज़ बताता हूँ कि मेरे बच्चे, मैंने एडमिशन ली है, मेरे बच्चे ने ऑनलाइन क्लासेस चालू हुए थे जून में 2020। आज 2020 में मेरे से फीस डिमांड की अप्रैल मंथ से। मैंने बोला कि जब मेरा बच्चे ने एडमिशन ही जून से ली है फिर भी आप डिमांड कर दे, और सबसे बड़ी बात यह है कि शासन की तरफ से हमको कोई भी ये चीज़ सॉल्व होते हुए नहीं दिख रही है। आज एक स्कूल मुझे बता दीजिए कि जो एडमिशन फीस के नाम पे पैसा नहीं लेता। क्लियर कट फी रेगुलेशन एक्ट में लिखा है कि आप एक महीने का ट्यूशन फीस से ऊपर आप फीस नहीं ले सकते एडमिशन फीस, लेकिन एक स्कूल आज मुझे बता दीजिए कि आपका वो रूल्स फॉलो करता हो। ज़्यादातर स्कूल फॉलो नहीं करता है। फी रेगुलेशन एक्ट की जो कमेटी बननी थी 2011 में, आज तक वो बनी नहीं है। हम पेरेंट्स जाएँ कहाँ, हमारे लिए क्या, हमारे पास क्या बच्चा है कोर्ट के सिवा जाने के लिए? हमारे पास कोई और चारा नहीं है। जब मेरे बच्चे को मालूम पड़ता है कि उसके बिल्डिंग में, हमारे बिल्डिंग में भी एक बच्चा है जो सेम स्कूल में पढ़ता है, उसके ऑनलाइन क्लासेस चालू है और मेरे बच्चे का नहीं है, उसके ऊपर क्या बीतती होगी? ना ये शासन सोचता है, ना एम्पीरियन स्कूल ने सोचा, ना किसी और ने। मेरा ये निवेदन है सबसे कि ये जो प्रॉब्लम सारे पेरेंट्स का है, ये एक निर्णय पे आना चाहिए। तकलीफ बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं निकलना चाहिए। मैडम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, आपने बच्चों की तकलीफ भी देखी, पेरेंट्स जो जिस तरह से परेशान थे, आर्थिक तंगी में थे और वो पैसा नहीं भर पा रहे थे, फिर भी स्कूलों की मनमानी चल रही थी, खासकर इंपीरियन की मैं बात कर रहा हूँ, किस तरह की कंडीशन थी और क्या कहना था स्कूल मैनेजमेंट का?
वही है सारा जो कंडीशंस कोरोना में जैसे सारे फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस जो है कि बहुत सी लोगों की, और इनफैक्ट हम लोग को भी खुद को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स था, जॉब्स की दिक्कतें आई थी, पे कट हो रहा था, कितनी बार तो ऐसे हो गया था एक दो बार कि द जॉब्स वर नॉट देयर इवन इन माई हस्बैंड, हमने पर्सनली एक मेल भी लिखा था उनको कि उनके भी खुद एक जॉब चली गई थी, एंड इसके दौरान उन्होंने ऑनलाइन क्लास बंद कर दी थी इन स्पाइट ऑफ सेइंग कि हम लोग ट्यूशन फीस देने के लिए तैयार है, लेकिन जिस चीज़ हम लोग यूज़ नहीं कर रहे और जिसने हम जो चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं की है तो उसके लिए हम पैसे क्यों दें, तो उसके बावजूद भी इन्होंने ऑनलाइन क्लास बंद कर दी बच्चों की. देयर वाज नो वे कि बच्चे कहाँ से पढ़े, उनको सिलेबस का कुछ जानकारी नहीं था, कुछ उन्हें गाइडेंस था, गाइडलाइंस कुछ भी नहीं था, तो पूरे 3 महीने जो एग्ज़ाम्स हो गए उसके बाद में बच्चों के रिजल्ट्स तक नहीं उनको पता है कि उन्होंने कैसे फेयर किया है, कुछ उनको बताया नहीं गया लास्ट ईयर के रिजल्ट्स के बारे में, और उनकी बाकायदा ऑनलाइन एग्जाम जो क्लासेस थी वो पूरी बंद कर दी टिल वी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट कि ये शुरू की जाए. तो ये पिछले 7th को शुरू हुई है. आपको लगता है कि इस पूरे जो पूरा मामला है उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र जो है बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि मानसिक तौर पर जिन बच्चों को हम विकास चाहते हैं वो इस तरह की परेशानी से मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहे हैं? ऑब्वियसली बच्चे ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये होगा कि पहले तो 3 महीने उनकी पूरी पढ़ाई नहीं हुई और अब ये रहेगा कि उनको बैकलॉग, उनको पूरा स्टडी करना है. सो बच्चे जो है ये 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं है जो रात रात भर बैठ के उनकी कैपेसिटी के हिसाब से वो पढ़े, ये छोटे बच्चे हैं. ये पूरा सिलेबस उनको कवर अप करना है, जो कंटिन्यूएशन कुछ कुछ सब्जेक्ट की कंटिन्यूएशन होती है, कोई सब्जेक्ट आप पीछे छोड़ जाते हो तो ये कंटिन्यूएशन में बैकलॉग ही है उनको पूरा. अभी ये पूरा मेंटल स्ट्रेस बच्चों पर ही आने वाला है, ये वो ज़्यादा फेस कर रहे हैं हमारे से ज़्यादा. बहुत सही कहा आपने कि मेंटल स्ट्रेस बच्चों को आने वाला है. आपने खुद कहा कि उस वक्त बच्चा आपका बहुत मेंटली डिस्टर्ब था. ये आपको लगता है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नमेंट बॉडी है जो इसको मॉनिटर करने वाली संस्थाएं हैं वो प्रॉपर इसको नहीं कर रही है, देख रेख नहीं कर रही है, जो रूल है उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, मेरे को लगता नहीं है कि ये हमारे देश में, हमारा स्टेट तो नहीं कहूँगा मैं, देश के बारे में कहूँगा कि देश में ही मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये साठगांठ दिखती है शासन की और स्कूल लोगों की, इनकी साठगांठ ही है. जो ये हमने कितने ट्वीट किए होंगे हमारे पीएमओ से लेकर के आप जिसकी भी बोलेंगे, हमने सबको ट्वीट किया है लेकिन हमको न्याय नहीं मिला है, ना न्याय मिला है ना हमको कोई रिलीफ मिला है. हम पेरेंट्स अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, हमको समझ में नहीं आता हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे. बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास समाधान ही समझ में नहीं आता है. वो और बात है कि मुनाब पटेल जैसे लोग जो है हिम्मत करके हाईकोर्ट तक जाते हैं. पेरेंट्स की शिकायत आपके पास आई थी, कितना परेशान थे लोग, किस तरह से अपनी परेशानी बयान कर रहे थे और स्कूल जो मैनेजमेंट था वो सुनने के लिए तैयार नहीं था? मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. मुझे एक किसी पेरेंट का फ़ोन आया जो सिंगल मदर है, शी इज़ आउट ऑफ जॉब. उसने स्कूल को रिक्वेस्ट की कि मेरे प्लीज़ मेरे पास में सच में पैसे नहीं है देने के लिए, आप हो सके तो मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए. स्कूल ने फिर भी उसकी बात नहीं सुनी और उसके बच्चों को ऑनलाइन क्लास से हटा दिया. ये एक छोटा सा एग्जांपल है जो आज की तारीख में सारे कर रहे हैं. मैं सिर्फ एमपीडन का नाम नहीं लूँगा, ये सब लोग, ये दीज आर हार्टलेस पीपल. दिस स्कूल वाले जितने हैं सारे हार्टलेस है. इनको ये समझ में नहीं आता है कि आज मेरा बच्चा जब ऑनलाइन क्लास शुरू हुई तो बच्चों को उसके दोस्त पूछते हैं तू क्लास में क्यों नहीं था 4 महीने से, तो मेरा बच्चा जवाब नहीं दे पाया उसका. वो क्या बोले कि मैंने फीस नहीं भरी इसलिए कि मेरे फादर आंदोलन कर रहे हैं इसके लिए, यानी उनको रीज़न ही नहीं पता. वो क्या, वो एक मेंटल, सच में वो मेंटल ट्रॉमा है जो हमारे बच्चे गुजरे हैं 4 महीना ऑन दी क्लासेस में नहीं. और जब क्लास शुरू होती है बहुत सारे बच्चे, अभी आपको पता है कि ये साल ये मराठी लैंग्वेज इज़ आज कंपलसरी हो गई है, इट इज़ बीन मैंडेटरी. और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मराठी नहीं आती है, जो कभी मराठी सीखे भी नहीं, आज उनको वो प्रॉब्लम, 4 महीने से हमारे बच्चे पढ़े नहीं और अब वो मराठी लेके बैठ रहे, उनको ABCD नहीं आ रहा, उनको एग्जाम देने पड़ी 8th को. तो हम तो कोशिश यही करें, हम तो रिक्वेस्ट करे जा रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों की भी, हमारे नहीं सारे बच्चे जितने हैं बच्चों की सुनो कम से कम. हमारे पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं तो कम से कम बच्चों की सुन लो कि बच्चे रो रहे हैं आज की तारीख में कि भाई हमको पढ़ना है और हमको आगे बढ़ना है करके. आपने कहा कि बच्चे मेंटल ट्रॉमा में हैं. इस वक्त हमारे साथ एक नाना स्टूडेंट भी है. क्या तकलीफ हुई बेटा जब आपको क्लास ऑनलाइन क्लास से निकाल दिया गया था, क्या आपको फील हुआ था? फील हुआ कि ये कि सब स्टूडेंट्स की हो रही है पर मेरी क्यों नहीं हो रही, फिर सीधा एग्जाम हो रहा है.
पढ़ने का टाइम भी नहीं मिला। अब ऐसा होएगा तो फिर हम कैसे करें? पेरेंट्स भी कितने परेशान हुए होंगे। फिर 7 जुलाई को ये स्कूल चालू हुआ, थैंक्स टू हाई कोर्ट ये स्कूल चालू करने बोला। थैंक्स टू हाई कोर्ट, ये बच्चा कह रहा है कि कम से कम हाई कोर्ट को धन्यवाद है क्योंकि उसने इस पर निर्णय लिया कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास से वंचित हैं उन्हें फिर से क्लास में जोड़ा जाए, उनकी पढ़ाई आगे बढ़े। मुनाब जी, कानून है राइट टू एजुकेशन का, ये कंपल्सन है सभी विद्यालयों के लिए कि बच्चे की पढ़ाई आप बाधित नहीं कर सकते, आप बीच में रोक नहीं सकते। इसके बावजूद भी इस देश में तमाम जो स्कूल मैनेजमेंट हैं वो इस तरह की मनमानी करते हैं। आपको लगता है इसके बैकग्राउंड में जो बात है कि अधिकांश स्कूल हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल लीडर के बड़े हैं, तो आपको लगता है इसी के कारण शायद इस तरह की मनमानी? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी के कारण ये मनमानी चलती है। आप देख लीजिए कि 95% ऑफ द स्कूल ऑल ओवर महाराष्ट्र बोल लो या ऑल ओवर इंडिया बोल लो, इट बिलोंग किसी न किसी पॉलिटिशियन को बिलोंग करती है। और इसमें स्ट्रिक्ट कानून, इसमें ऑर्डिनेंस लाना बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर कोई फेर बदलाव, FRA में जो भी बदलाव करने की, अब आज जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोले कि अब हम लोग ऑर्डिनेंस लाने वाले हैं करके, तो हम तो चाहते हैं कि ऑर्डिनेंस पहले पैनडेमिक से पहले आ जाना चाहिए था। ये कब से इसके पीछे बातें चल रही है, ये तो ऑर्डिनेंस इससे पहले आ जाना चाहिए था। आप लोग क्यों वेट कर रहे थे इतनी तकलीफ का? आप लोग क्यों वेट कर रहे थे लोगों के एजिटेट होने का? आप लोग क्यों वेट कर रहे थे कि बच्चों की तकलीफ में आने का? तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह इसके पीछे एक स्ट्रिक्ट कानून आए और लोग आज के बाद डरे। स्कूल वाले को भी ऐसा लगना चाहिए, उन लोग तो निडर होके कुछ भी सीधा मना कर दे, नहीं करेंगे हम लोग, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं करेंगे, नहीं चालू करेंगे। हमने लिटरली प्लेज किया है, भीख मांगी है स्कूल से कि बोला प्लीज चालू कर दो क्योंकि हमारे बच्चों की क्लासेस जा रही है, पर नहीं, उन्होंने ऐसे ही बोला हमें कि हम नहीं चालू करेंगे। इतना यानी ये तो लिटरली हमारे साथ दादागिरी जैसी हो गई कि उन्होंने नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, और हमारे बच्चों ने सफ़र किया है इसमें। हम चाहते हैं कि इसके पीछे एक स्ट्रिक्ट कानून लाया जाए और इनके पीछे भी अंकुश लगाया जाए। आपने कहा कि स्ट्रिक्ट कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिसका और सही तरीके से पालन भी होना चाहिए, आपको लगता है कि ये सही कानूनों का सही तरीके से पालन हो रहा है और बिल्कुल नया कानून आएगा तो उसका पालन होगा? कानून लाने से तो 100 कानून ला दीजिए, लेकिन अगर पालन नहीं करना तो फिर कानून ला के करना क्या? जब आप फी रेगुलेशन एक्ट 2011 में लाए हैं, उसको कमेटी बनानी थी, जो कमेटी उनको उस टाइम पर रेगुलेट करने के लिए, वो कमेटी ही नहीं बनी आज तक। हम किससे शिकायत करें? कानून तो जाए दस मर्जी बना लें, लेकिन जब उसका पालन ही नहीं करना तो बनाने का फायदा भी क्या? आपको क्या लगता है मैडम, वाकई कानून मतलब लाने नया कानून लाया जाएगा तो इससे समाधान निकलेगा इसका? नहीं, जैसे उन्होंने कहा अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है तो कानून लाना, वरना आप कुछ ऐसे लॉज ले आए जिसके अंदर लूप होल्स हो सो उसका कोई मतलब नहीं होता, देयर इज नो फ्यूचर। आपने कहा अगर कानून आ भी जाए अगर उसमें कोई लूप होल्स हैं तो निश्चित तौर पर स्कूल मैनेजमेंट जो है फिर उसका फ़ायदा उठाता है और फिर उस नए कानून का कोई अर्थ नहीं है। मैं सवाल मुनाब पटेल जी से दोबारा पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि जिस तरह से प्रयास आपने किया पेरेंट्स को लेकर, उसी तरह के प्रयास अगर दूसरे स्कूल के पेरेंट्स अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर जैसे हाईकोर्ट ने इसमें इस मामले में न्याय दिया है, इंपीरियल के खिलाफ जो फैसला उसने सुनाया हर क्लास लेने के लिए बोला, उसी तरह से दूसरे स्कूलों में ऐसा हो सकता है? हो सकता है 100%। हमें हमारे संविधान पे, हमें हमारे जुडिशरी पे पूरा भरोसा है और हमें जैसा हमारे लिए हुआ ये सबके लिए हो सकता है। हम तो चाहते हैं, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि डर के अब नहीं होगा, लड़कर ही होगा। तो हम यही चाहते हैं कि सारे पेरेंट्स अब जागरूक हो और जाने के नहीं, हमारे लिए ऐसा नहीं है सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, हमारे लिए अभी भी हमारा जुडिशियल दरवाज़ा खुला हुआ है जहां से हमें न्याय मिल सकता है। अब जैसे आपने देखा कि अभी भी दरवाज़ा न्याय का खुला हुआ है और ये न्याय तभी मिल सकता है जब सारे पेरेंट्स मिलकर इसी तरह की पहल करें और स्कूल मैनेजमेंट की मनमानी के खिलाफ संघर्ष करें, तो निश्चित तौर पर जो बच्चों को तकलीफ देने की ये मनमानी चल रही है कहीं ना कहीं रुक सकती है। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई।